नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पाली जिले के सौजत शहर में रविवार को 6 लोग बिना किसी को सूचना दिए जोधपुर से सौजत आ गए थे और सौजत रोड कस्बे में भी एक परिवार के लोग अन्य राज्य से आए हुए थे। जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन मौके पर पहुंचा और सभी को कोरोना संदिग्ध मानते हुए जाँच के लिए सभी को पाली भेजा। फल जांच के बाद उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जो शहर वासियों और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर हुई। हालांकि प्रशासन ने अभी तक एहतियात के तौर पर पूरे मोहल्ले को सील किया हुआ है और सभी परिवार वालों को आइसोलेट किया हुआ है। वहीं जिले में एक पॉजिटिव व्यक्ति उपचार के बाद ठीक हो गया था और दूसरे व्यक्ति की भी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जो पाली जिले के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है और अब पूरा जिला कोरोना मुक्त है। आज तक कुल 153 सैंपल लिए गए हैं, उसमें से 17 की अभी रिपोर्ट आना शेष है और 134 सैंपल जो हैं अब तक निगेटिव आए, 2 सैंपल पॉजिटिव आए, 1 ढोला में आया था, 1 लाखोद में आया था। और जो वर्तमान में लाखोद में जो हमारा पॉजिटिव केस आया था मांगीलाल का, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। 2 बार उसके टेस्ट हो चुके हैं, सभी नेगेटिव आए, पर फाइनल टेस्ट जो है वो 14वें दिन जब उनका अवधि पूरी होगी उस समय होगा, उसके पश्चात जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। इस दृष्टि से हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है। जो हमारे यहाँ एक पॉजिटिव आया था वो भी नेगेटिव आ गया। 2 व्यक्तियों की डेथ होने के बाद हमने सैंपल लिए थे, दोनों जो है नॉर्मल आई और दोनों की बॉडी डिस्चार्ज कर दी गई है। इसलिए इस तरह से कोई भी डेथ केस में कोई भी कोरोना पॉजिटिव कोई भी केस नहीं है। और जो एक फैमिली जोधपुर से आई थी सौजत में, वो भी सभी उनके टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए। इस तरह किसी भी तरह की कोई वर्तमान में चिंता की स्थिति जिले में नहीं है।